उसके पैर देखो आप पूरे आसानी से नीचे टिक पा रहे हैं। तो अगर कोई 5-11 या अगर कोई 5-10 वाला भी बंदा है तो वो इस गाड़ी को आराम से चला बता, मतलब नुकसान क्या लगा बाइक का अभी तक? नुकसान कुछ नहीं है, कंप्लीटेड अगर किसी को लेना चाहे ये नॉर्मल बंदा। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है यार आप लोगों का नई वीडियो में। तो यार आज आप देख ही सकते हैं हम लोग कौन सी बाइक पे चल रहे हैं, जो कि है कौन सी बाइक नाम बोल गया तो मजाक कर रहा था यार। आज हम जा रहे हैं एक्सपल्स को लेके और आज इसका एक तगड़ा सा रिव्यू बनाने वाले हैं यार। बाकी गाड़ी मैंने काफ़ी ज़्यादा चला ली होगी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की गाड़ी है, मेरे बचपन का दोस्त है हैप्पी। आज तक तुमने इसको किसी वीडियो में देखा नहीं होगा, आज तुम पहली बार इसको किसी वीडियो में देखोगे। और वीडियो क्वालिटी बताना है कैसी आ रही है, क्योंकि अभी हम शूट कर रहे हैं अपने GoPro Hero 9 से, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो। बाकी क्वालिटी बताना यार कैसी आ रही है। बाइक तो ज़्यादा यार अभी भगा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी पहली सर्विस नहीं है गाड़ी की, इसलिए 40-50 चलेंगे। बाकी विंड नॉइस अभी थोड़ी सी आ रही होगी यार, क्योंकि माइक अभी तक मेरा डिलीवर नहीं हुआ है घर पर, तो आज मुझे अपने नॉर्मल माइक से शूट करना पड़ रहा है। बाकी वीडियो क्वालिटी यार आप लोग बताना कि कैसी आ रही है। बाकी यार अभी एक काम करते हैं, अभी सीधा चलते हैं अपनी शूट लोकेशन पर और फिर आपको बताते हैं कैसी कुछ है ये गाड़ी, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है हमको और एट लास्ट ये गाड़ी हम लोगों को लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो मिलते हैं यार आपको लोकेशन पर। तो यार ये है हमारे सामने बाइक फाइनली हीरो एक्सट्रीम पल्स 4V। बाकी कलर इसका बहुत ही प्यारा है यार, ये मेरे दोस्त की बाइक है हैप्पी की। तुमने पहली बार देखा होगा इसको मेरे ब्लॉग में यार, आ नहीं पाता इसका, मिल नहीं पाता है, बहुत बिजी आदमी है। बाकी गाड़ी का कलर इसने बहुत ही प्यारा लिया है यार। अब गाड़ी में यार मतलब क्या ही गाड़ी है, अब ये थोड़ी ऑफ रोड टाइप गाड़ी, मतलब ऑफ रोड टाइप का ऑफ रोड ही व्हीकल है, तो इसलिए मैंने इसको खड़ा भी ऐसी जगह पर किया है कि थोड़ा फील आया ना। बाकी तुम गाड़ी के फ्रंट में देखो, यहाँ पे हमको LED लाइट्स मिल जाती है, LED हेडलैम्प्स। बाकी ये जो इंडिकेटर्स है ये हमारे हाइलोजन है, और जो इधर पे ये हमको कंपनी से मिल जाता है ना, ये हिल क्यों रहा है इसे? अच्छा, और शीशे भी देखो ये वाइट कलर का टच काफ़ी प्यारा दे रखा है। बाकी इसका साइलेंसर काफ़ी डिफरेंट लगा है मेरे को, ऊपर की तरफ आ रखा है ऐसे एकदम। और 200 cc की बाइक है ये, 199.6 cc, और 13 liters का इसका टैंक है। और किक भी मिल जाती है यार हमको इसमें, सबसे प्यारी बात यही है आजकल मिल नहीं रही हमको बाइक में किक। बाकी अगर तुम इसे सामने इन रियल देखो ना, तो इतनी ह्यूज लगती है ना ये गाड़ी यार दूर से, मतलब मेरे को लगा यार क्या छोटी सी गाड़ी ले ली इसने, बट जब पास से मैंने देखा काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी ऊँची गाड़ी है। और ये रैली एडिशन नहीं है इसका, अगर रैली एडिशन किसी को कराना हो तो या तो कंपनी से आ जाएगा या इसी में 10,000 रुपये की किट लग जाती है, तो ये गाड़ी उठ जाएगी। बाकी बैक से लुक्स देखे तो ये हमको नॉर्मल पीछे एक लाइट मिल जाती है, रेड लाइट। बाकी इंडिकेटर्स, ये नंबर प्लेट पीछे, और एग्जॉस्ट मैंने आपको दिखाई दिया, एग्जॉस्ट इसका नॉर्मल सा है। साउंड भी बढ़िया है इसकी, अभी साउंड सुनाता हूँ आगे। तो यार ये जो इसमें हमको टायर साइज़ मिल रखा है, आगे 21 इंच का है और पीछे 18 इंच का टायर है, बट जो टायर का साइज़ है वो पीछे का बड़ा है, और साइज़ मतलब साइज़ अगर जैसे रिम का साइज़ देखा तो रिम का साइज़ आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है, बट टायर की थिकनेस पीछे वाले की मोटी है, आगे वाले की पतली है, जैसे कि हमारी ऑफ रोड व्हीकल्स में आती है जैसे हिमालयन वगैरह में। बाकी देखा जाए तो ये हिमालयन से अच्छी चॉइस हो सकती है इसके प्राइस की वजह से, इसका प्राइस है 1,60,000 रुपीज़ ये ऑन रोड पड़ी है, और 1,37,000 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है। ये बाइक अभी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, सिर्फ 1 महीने पुरानी बाइक है। बाकी लुक्स तो तुम देख ही सकते हो यार गाड़ी के, कितने ही प्यारे लुक्स आ रखे हैं, मतलब क्या चाहिए यार, 160 में से ज़्यादा क्या ही मिल सकता है। तो यार अब अगर हम बात करें गाड़ी के माइलेज की, कि यार 200 cc का इंजन कितना माइलेज निकालता होगा, 13 liter की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है टैंक की। बाकी जो माइलेज इसका फ़िलहाल मिल रहा है हमको, जो कंपनी क्लेम करती है वो तो है 52 kmpl। बाकी जो अभी इसको चलाने में मिल रहा है, अभी इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, फिलहाल ये एवरेज दे रही है आराम से 41-42 खींच दे रही है, और अभी गाड़ी हम ज़्यादा रफली भी नहीं चला रहे हैं, 60-70-40-50 ऐसी चल रही है। बाकी जब इसकी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी तो उसके बाद इसका एक और प्रॉपर रिव्यू बना दूंगा। बाकी इस वीडियो में बस ये मैं यही बता रहा हूँ कि इस गाड़ी में मिलता क्या क्या है, ABS भी हमको इस गाड़ी में मिल जाता है, और काफ़ी हल्की गाड़ी है। इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो है 158 kgs, और
इधर पे हमको ये विंडशील्ड मिल जाती है जो कि हमको सभी ऑफ रोड व्हीकल्स में मिली जाती है। बाकी अगर हम इधर से एक लुक देखें बाइक का तो काफ़ी ऊंची लगती है बाकी देखने में, और जिसका जो कंसोल है ना पूरा, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी चौड़ा सा फील होता है। अगर आप रोड पे चल रहे हो तो एक फील होता है आपको कि हाँ एक बड़ी सी किसी चीज़ पे बैठे हो। बाकी इसके दो कलर ऑप्शंस और भी हैं, ये जो इसका कलर है ये है ब्लू और वाइट में, जो दो ऑप्शंस है वो ऐसे आते हैं कि वो पूरी ब्लू है और उस पर ब्लैक से लिखा हुआ है और रेड से लिखा हुआ है, और एक कलर ऑप्शन आता है जो पूरी की पूरी रेड है और उसके ऊपर ब्लैक से ग्राफिक्स है, उसकी भी फ़ोटो मैं यहीं कहीं ऐड कर दूँगा, आप लोग देख लेना। तो यार इस गाड़ी को चलाने के लिए जो एक सही हाइट है वो मेरे हिसाब से 5'11" बहुत है। इसकी हाइट अभी 5'11" है और इसके पैर देखो आप पूरे आसानी से नीचे टिक पा रहे हैं, तो अगर कोई 5'11" या अगर कोई 5'10" वाला भी बंदा है तो वो इस गाड़ी को आराम से चला सकता है। बट यहीं अगर इसमें रैली किट लगी होती या फिर ये रैली किट वाली बाइक होती तो इसको चलाने में इसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती, बट अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कम्फर्टेबल है, और ना बाइक इसमें बहुत छोटी लग रही है ना बहुत बड़ी लग रही है। बाकी लोग बताना आप कैसे लग रहे हैं। हैप्पी एग्जॉस्ट नोट सुना, इनको एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। तो यार ऐसा था कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट, बढ़िया यार, डिसेंट साइड पे, ना बहुत लाउड है ना बहुत हल्का है, बट हाँ पता चल रहा है कुछ चीज़ है। तो यार इसमें जो हमको ABS मिलता है, मैं बताना भूल गया, वो हमको सिंगल चैनल ABS मिलता है विद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और इसमें जो हमको क्लच मिलता है यार वो हमको मिलता है मल्टीप्लेट वेट क्लच, स्लिपर क्लच होता है जो कि, और ये भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है इस बाइक के अंदर। तूने कितने दिन चला लिया गाड़ी? मैंने चला लिया भाई ये 20 दिन 20-22 दिन। तो अभी तक का तेरे को लगी कैसी गाड़ी, मतलब क्या नुकसान ही लगी, क्या नुकसान लगे, क्या फायदे लगे? नुकसान यही लग रही कि कंपनी शुरुआत में भगाने नहीं देती। अबे सीरियस नोट पे बता, मतलब नुकसान क्या लगा बाइक का अभी तक? नुकसान कुछ नहीं है, कंप्लीटेड अगर किसी को लेना चाहे ये नॉर्मल बंदा जिसका बजट नॉर्मल हो वो ले सकता है ऑफ रोडिंग के लिए। मैं इसको एक बार ऑफ रोडिंग ले गया हूँ, वहाँ इसका एक्सपीरियंस बेस्ट था, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा अगर चाहिए होगी किसी को तो। अबे इतना कर तो लिया अभी ऑफ रोडिंग? अभी तो कुछ नहीं है, अभी इसमें एक लकड़ी फंस गई थी पीछे ही। हाँ यार वो शूट नहीं कर पाए हम, पूरे टायर में घूम गई थी लकड़ी इसकी भयंकर। देखो आप इसमें कुछ नहीं हुआ है, लकड़ी फंस के भी पूरी निकल चुकी है भाई। कुछ नहीं है टायर में भी, पूरी लकड़ी क्या लकड़ा फंसा है, पर पूरा लकड़ा फंसा था इसके टायर के अंदर, तभी हम इसको शूट करने के लिए ऐसी लोकेशन पर लाए हैं। बाकी खुश है तू गाड़ी से? पैसा वसूल भाई कसम से, 160 में से ज्यादा क्या मिल सकता है। बाकी चलते हैं इस बाइक को लेके किसी दिन राइड पे, फिलहाल आज की वीडियो में यार बस इतना ही। आई होप मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, कुछ भूला ना हो, अगर कुछ भूला होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। बाकी बताना यार आप लोगों को बाइक कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो गिव इट अ थम्स अप। बाकी हम लोग मिलते हैं यार किसी ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।